हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरान खान क्रिएटिंग। ऑल्सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो अब हम फिर से आ चुके एक न्यू वीडियो के साथ। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम आपको एक डिज़ाइन बना के दिखाएंगे जो बहुत ही सिंपल और सोभर सी है। तो सबसे पहले हमने वाइट धागा ले लिया है, हमें इसमें दो धागे की ज़रूरत है, वाइट एंड ब्लैक। तो हमने वाइट ले लिया है, इसे सिंगल डाला है छोटी सुई में, और हम जंजीर या फिर चेन सिलाई आप कह सकते हैं, तो हमें उस तरह से सिल लेना है। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही यूनिक सा लगता है, बहुत ही खूबसूरत है और बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। आप देखेंगे, आप कहेंगे वाह। तो मैं जैसा हमने अपनी डिज़ाइन ड्रॉ करी थी, तो आपको वैसे ही शेप में सिलाई करते रहनी है। अगर आपको इसके ड्रॉ का, हमने इसको कैसे ड्रॉ किया है, कैसे छपाई की है, तो आपको अगर वो देखना है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए ज़रूर लाएंगे। इसी तरह हमें इस पूरी पत्ती को अच्छे से बना लेना है। हमारी कैमरे की क्लैरिटी इतनी बेस्ट नहीं है, तो प्लीज़ आप थोड़ा एडजस्ट करें। हम आपके लिए कई सारी डिज़ाइन्स लाते रहते हैं, तो आप हमारे सपोर्ट के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे हिम्मत बढ़े और हम और भी डिज़ाइन्स आपके लिए लाते रहें। तो फिर चलते हैं फूल बनाने की तरफ। देखिए, फूल बनाने के लिए हमें ले लेना है डबल धागा ले लेना है। फिर उसके बाद हमें एक छोटे सर्कल को ध्यान रखते हुए एक सब फूल बना लेना है, हम जो स्केच करते हैं प्रॉपरली। अगर आप उसको हिसाब से करना, तो आपको प्रॉपरली स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा, हमने ऐसे रफली कर दिया है। आई होप आपको ये डिज़ाइन भी पसंद आए, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर करिए, ताकि और भी लोग ऐसा बना सकें। बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है ये, बहुत ही सिंपल है, और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। जैसे हमने रेड पे वाइट और ब्लैक का कलर कॉम्बिनेशन लिया है, तो जैसे कि आपका बिस्तर जो भी कलर का हो, आप उस कलर के हिसाब से कॉम्बिनेशन लीजिए। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। हमें ये डिज़ाइन बहुत पसंद आई, ये बहुत ही सिंपल सी थी और आसानी से बन रही थी, और बनाने में बहुत मज़ा भी आ रहा था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आपको ये आज की ये डिज़ाइन। और लास्ट तक हमारी वीडियो से बने रहे, ताकि आप इसे अच्छे से सीख पाएँ। देखिए, जब हमारा धागा बीच में ख़त्म हो जाए, तो हमें सब बीच में से निकाल के साइड कर देंगे। हम बिस्तर बना रहे हैं, इसलिए अगर जैसे बेडशीट होती तो हम नीचे गांठ मार देते, फिर हम वहीं पे दूसरा धागा डाल के उसे कंटिन्यूसली करते रहेंगे। अगर आपको ये प्रोसेस समझना है अच्छे से, तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये प्रोसेस एकदम अच्छी तरह से बता दें। अगर आपको मालूम ना हो, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जानिए कि हम कितनी सारी डिज़ाइंस लाते हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल सी रहती है और बहुत ही सिंपल रहती है। और ये बहुत ही आसानी से बन भी रही है, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, कितनी खूबसूरत लग रही है, आप खुद ही बताइए हमें कमेंट करके। हम कोई भी स्पीड नहीं बढ़ा रहे, हम नॉर्मल दिखा रहे हैं, ताकि आप अच्छे से समझें। और ऐसी कई सारी डिज़ाइंस के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बिल्कुल भी ना भूले, और वीडियो को शेयर करें, ताकि हम और भी लोग इसे बना सके और भी लोग इसे सीख सके।
हमारे चैनल पर आपको बहुत सी डिज़ाइंस मिलेगी देखने को, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अगर जैसे आप कोई डिज़ाइंस ढूंढने में इंटरेस्टेड हैं या फिर बनाने में इंटरेस्टेड है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, हम आपके लिए वो डिज़ाइन बना के दिखाएंगे। हम सिंपल ही डिज़ाइन बनाते हैं, ज़्यादा मेहनत वाली नहीं बनाते हैं ताकि आप भी बना सकें, ज़्यादा मेहनत ना लगे। देखिए हमारा फूल बन चुका है, अब हम इसमें जो वाइट लेयर है उसे डालेंगे। तो हमने चौबल धागा ले लिया है और इसे इसके बीच में से निकाल के ऊपर की तरफ दूसरे सेंटर पे मतलब दूसरे पत्ती की तरफ आ जाएंगे। आई होप मैं इतना अच्छे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, पर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप समझ सकेंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। आई होप आपको ये समझ में आए अच्छे से और आप अच्छे से बनाएं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को रिपीट करके देखिए और इसे बनाएं। अब तो शायद आपको समझ में आ गया होगा। देखिए जैसे हमने जंजीर टाइप का बनाया था तो उसके बीच में से डालना है और ऊपर की तरफ निकाल लेना है। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बस इसे फॉलो करके हमें ये डिज़ाइन कंप्लीट करनी है। हम इसके सेंटर में अलग तरह का फ्लावर बनाएंगे, तो हम किस तरह का फ्लावर बनाएंगे तो प्लीज़ हम उसके लिए वेट करिए और ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको आज का ये डिज़ाइन कैसा लगा। देखिए कंप्लीट हमने ये जंजीर बना ली है और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, हमने छोटी छोटी पत्तियाँ बनाई हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज की डिज़ाइन आपको कैसी लगी और हमें सपोर्ट करते रहिए ताकि ऐसे और कई सारे क्रिएटिविटी डिज़ाइन के लिए हम आपके लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।